अब थोड़ी देर में हमारा नेता कैसा होता एक मत लगा दे। मुझे नहीं पता था आप जैसी आवृत्ति निकालो कि आप अच्छे तो हैं लेकिन इतने मजेदार हैं आप लोग, ये नहीं पता था। गुजराती है आप सबके भाषणों में जो हंसी मजाक है, कम से कम हम उत्तर भारतीयों को थोड़ा सीख लेना चाहिए। यही आयोजन अगर पटना या लखनऊ में हो रहा होता तो प्रस्तुत और पेश करने वाले वक्ताओं की आवाज से लगता कोई विपत्ति टूट पड़ी। पर मुझे अब यकीन हो गया है कि विपत्तियों से लड़ते लड़ते आप लोग नहीं टूटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरा दिल भर गया, मैं क्या बताऊं। हम जब टीवी के सामने होते हैं तो एक सामने स्क्रीन होता है ब्लैक, अंधेरा। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाहर कौन लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ आप लोगों को देखकर लगता है कि शायद हम अंधेरे में हाथ नहीं डाल रहे, कुएं में नहीं डाल रहे, कहीं जा रहा है किसी के पास बच रहा है। यहां आने से पहले कुछ पत्रकार मित्र आए और बोले कि आपको इतना हौसला कहां से आता है। मैंने कहा भाई ये गलत बात किसने कही, मैं तो बहुत कमजोर हूं और एक इंसान अभी तक इंसान है जब वो थोड़ा डरता है, थोड़ा सहमता है, थोड़ा वो कमजोर है। अगर वो किसी प्रकार की भय डर और संशय से मुक्त है तो वो आदमी नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म का रोबोट है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी हिम्मत आप लोगों को आउटसोर्स कर देता हूँ, आप लोग जितनी ताली बजाते हैं मेरी हिम्मत उतनी बढ़ जाती है। इसलिए सरकारें कोशिश करती रहेंगी, वो सब होता रहेगा, लेकिन हम लोग बढ़ते चलेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। पत्रकार जी पूछने लगे कि क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, लेकिन जो विज्ञापन में होता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो आप लगातार विज्ञापन पर विज्ञापन ठेले जा रहे हैं हमारी संवेदनाओं पर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी मुझे शक होता है कि ऐसा क्या हो गया है कि इतना विज्ञापन बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां मौजूद सभी लोग आधार नंबर से युक्त होंगे। जिस रफ्तार से हम आधार आधार हुए जा रहे हैं, एक शब्द की मौत तो तय है। कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में निराधार कहने वाला कोई नहीं बचेगा, सब आधार ही आधार रहेंगे। तो आधार नंबर से लैस होंगे। एक दिन ये भी सरकारों को आइडिया आएगा कि जो खिलाफ हैं, जो अलग हैं, जो किनारे के लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, वो किस सभा सम्मेलन में जा रहे हैं और किसे सुनने जा रहे हैं, अपना आधार नंबर जमा कराएं, ताकि इससे उनके जगह जगह जाने की सारी प्रक्रिया पता चले, रुचि पता चले। जो काम फेसबुक के जरिए होता है वो अब सरकारें भी कर रही हैं। ये काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है, इसलिए कर रही हैं। जब सरकारों के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता तो दो चीजें होती हैं, विज्ञापन की मात्रा बढ़ जाती है और नियंत्रण की तरीके बढ़ जाते हैं। ये तभी होता है जब सरकारों के पास, क्योंकि वो आपसे जानने लगती है, जानना चाहती है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि खिलाफ तो नहीं सोच रहे हैं, कि हवा पलट तो नहीं जाएगी, तो इसलिए सरकारें उसमें सक्रिय हो जाती हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि इतना आधार आधार क्यों हो रहा है। हर दौर में हमारे नेता हम लोगों के सामने एक संजीवनी बूटी ले आते हैं, कभी कहते हैं गरीबी हटा दो, कभी कहते हैं लाइसेंस राज हटा दो, फिर कहते हैं सुधार करो, फिर सुधार 2.0 सुधार करो, फिर कहते हैं हम आधार लेकर आओ, चारों तरफ आधार लगा रहे हैं। आधार गांव में हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग होते थे
वो एक छोटी सी लाल रंग की एक पतली सी किताब रखते थे, उसमें लिखते थे बबलू को 2.5 रुपया, गुड्डू को पजामे के नाड़े के 1.5 रुपया, है ना, बाल कटाने के 1.25 रुपये। तो ये शाम को आगे जरूर अपना हिसाब लिखते थे। तो मैं कहता था कि चाचा ये काहे इतना सारा लिखते रहते हैं, इसका क्या फायदा है, आपके पास 100 रुपये है, आपने जो खर्च किए जो बच के वो आपके हैं, इतना अलग अलग क्यों याद करते हैं। तो अब वो सब आधार से जुड़ जाएगा, तो अब आप लोगों का काम बच जाएगा वही खाता लिखने का, क्योंकि ये सब सरकार जानेगी कि आप पजामे के नाड़े में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ जहाज से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बाथरूम में जा रहे हैं, कहाँ बेडरूम में जा रहे हैं, ये सब सरकार जानेगी। जानने के बाद सरकार क्या करेगी मुझे मालूम नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और जन्म प्रमाण पत्र तो ठीक था, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आपने जोड़ दिया साहब, बताइए हमारे मरने के बाद भी आधार अमर रहेगा। अगली लड़ाई इसी बात पर होने वाली है कि बताओ आत्मा अमर है कि आधार अमर है। तो वो गीता को कोट करेगा पर मुझे कोट करेगा कि नहीं नहीं आधार अमर है, आत्मा अमर नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रमाण नहीं है, आधार के प्रमाण है, वो UIDAI के यहां जमा है, आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपका आधार है। तो ये हालत की स्थिति में है, नियंत्रण की स्थिति में है, सारी समस्याओं की जड़ आधार, और वो दवा है, कोई खांसी सर्दी क्रोसिन एनोसिन विटामिन ये सब की दवा के रूप में पेश की जा रही है। तो इनको एक आधार मिल गया है हमारी सरकारों, वो आधार इसलिए मिला है कि हम सब अब जनता तो रहे नहीं, और हम सब जनता ना रहे इसकी तैयारी हो रही है। जो हुकूमत है अब वो बदल गई है, वो आपकी हुकूमत नहीं है, वो हमारी भी हुकूमत नहीं है, वो चंद लोगों के ख्वाब की हुकूमत है जो वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, और इसलिए वो इस नंबर के जरिए सारा खेल करना चाहते हैं। अब ये बात हम सिर्फ यहीं तक समझ रहे हैं कि शायद 2 रुपये किलो का चावल सबको सही सही पहुंचे, इसलिए आधार है, लेकिन ये उससे आगे की चीज है। इसके खतरे की न तो हम पे पूरी तरह से नजर है, ना हम उसको समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बार मैं सोचता हूँ कि जब मोबाइल नंबर के लिए आप आधार देते हो, बैंक के लिए आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार है, तो सब हटा दो, आधार ही रखो, एक ही नंबर देश में, वही आधार मोबाइल नंबर, वही आधार बैंक नंबर, वही आधार कार नंबर। भारत की कक्षाओं में गिनती और मैथ पढ़ाना बंद कर दीजिए, सबको बोलो अपने खानदान का आधार कार्ड नंबर याद करके लिख दो, 100 में 100 मिलेंगे। ये आधार की इस तरह से चारों तरफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, और हम सब एक सरकार का उपनिवेश बन रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम दिया किसने, आधार साहब के जो जनक साहब हैं नंदन विवेकनी, आधार के समर्थन करते रहे, तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि डेटा कोलोनाइजेशन हो जाएगा। जब उन्होंने कोलोनाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया तब भी किसी की खंडी नहीं बजी। ये इस देश की मीडिया की हालत हो गई है और नेताओं की, 150 साल की लड़ाई, न जाने कितने लोग मरे, कितने लोग कटे, और कितने लोगों ने यातनाएं सही, उससे कहीं ज्यादा अपने यकीन पर टिके रहे लोग उस मुल्क में 60-70 साल भी अभी नहीं हुए कि लोगों के कान कोलोनाइजेशन शब्द से खड़े नहीं हुए। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है, यानी हमने अपने भीतर से आजादी के आंदोलन की चेतनाओं को मार दिया है, वरना हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि नंदन निलेकनी ने जो डेटा कोलोनाइजेशन की बात कही है, क्या वो हमें गुलाम बनाने की बात है। ये डेटा कोलोनाइजेशन के खतरे को समझना चाहिए था। वो कह तो रहे थे कि एक कंपनी का अधिकार हो जाएगा, वो ये नहीं कह रहे थे कि एक सरकार का एक कंपनी के जरिए 1 अरब से ज्यादा लोगों पर नियंत्रण हो जाएगा, वो ये नहीं कह रहे थे। नंबर की इतनी ही दिलचस्पी है, तो आजकल स्लोगन है वन नेशन वन नंबर, कुछ भी कर दीजिए आप। और यही डेटा कोलोनाइजेशन जो है अब आगे बढ़कर एक मीडिया कोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ता है, जिस तरह से आप एक नंबर के जरिए इस कमरे में बैठे आवाजाही इन सब का पता लगा सकते हैं।
खर्च करने की प्रवृत्ति हैसियत सब पता लगा सकते हैं, उसी तरह से एक खास नंबर के जरिए दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में मीडिया पर नियंत्रण कायम हो गया है। ये प्रक्रिया चल रही थी 10 साल से, अब वो संपूर्ण स्थिति में आ गई है। तो अब मीडिया के जरिए आपका कोलोनाइजेशन हो रहा है। ये जो गोदी मीडिया है ये यूं ही नहीं है, सरकार के विज्ञापन को चलाने का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। आपके पास 100 चैनल हैं, 100 बदल लीजिए, 100 पर एक ही शैली में बोलने वाले एंकर हैं, एक ही तरह का एजेंडा है, एक ही तरह का डंडा है और एक ही तरह के प्रवक्ता है, और वो आपको आपके पास विकल्प बचा ही नहीं रहने देना चाहते हैं कि आप इस देश के बारे में उनके तय किए हुए एजेंडे से बाहर कुछ भी झांक कर देख सकें। आप देख ही नहीं सकते हैं। कभी गोरखपुर में 30 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन तय ये किया जाता है बहस में कि वीडियोग्राफी वंदे मातरम के समय होनी चाहिए। आप शौच के समय की भी वीडियोग्राफी करा लीजिए, खाने के समय की भी वीडियोग्राफी करा लीजिए। जहां सीसीटीवी होनी चाहिए वहां तो ठीक से काम नहीं करते, लेकिन अब वो वीडियोग्राफी स्कूलों के हो तो आपकी निष्ठा हर वक्त संदिग्ध बनाई जा रही है और हर वक्त उसका एक वीडियो प्रमाण मांगा जा रहा है। अब किसी से भी कहा जा सकता है कि आप इसकी वीडियोग्राफी कराइए। क्या आप वहां पर सिनेमा हॉल में जंगल मंथ के समय खड़े थे और इसका क्या कोई वीडियो सबूत है या नहीं? लेकिन इस पर भी लोग बात समझ नहीं पा रहे थे। उस अस्पताल में 30 बच्चे मर गए, लेकिन वो वीडियो के मसले पर इसलिए चर्चा हो रही थी क्योंकि वो एजेंडे का पार्ट था। 3 साल में टेलीविजन चैनलों पे, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त और महीने का 300 रुपया बर्बाद किया है, उसकी सूची अगर आप बनाएंगे तो उन एजेंडाओं की जो लिस्ट है वो 3-4 मुद्दों के आसपास आकर टिकती है। उनके भीतर, मुद्दों के भीतर विविधता को समाप्त कर दिया गया है। एक खास किस्म का होमोजेनाइजेशन, एकीकरण किया गया है। ये ठीक उसी तरह का होमोजेनाइजेशन है कि जिससे हम और आप के होने की विविधता अब समाप्त होती है। हम और आप सिर्फ एक नंबर है, वो भी इस नंबर का पार्ट है जिसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, वो भी इस नंबर का पार्ट है जिसको मिलती है। तो सरकार की ये जो करतूत है मीडिया के जरिए, हमें इस बात को लेकर समझना चाहिए कि ये जो डेटा उपनिवेश है, हम मीडिया उपनिवेश के शिकार हैं और उसके गिरफ्त में आ गए हैं। कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, एक ही तरह का है। एक इवेंट आता है, दूसरा इवेंट जाता है, फिर तीसरा इवेंट लॉन्च हो जाता है। कोई बुनियादी सवाल पूछने के लिए खड़ा नहीं है, ना तो उसमें साहस अब बचा है। साहस का नहीं होना ही ये एक नई प्रकार की मीडिया के द्वारा पैदा की गई, गढ़ी गई देशभक्ति है। अगर आप पूछने का साहस करेंगे तो कहा जाएगा कि आप राष्ट्र विरोधी। राष्ट्रवाद या राष्ट्र की परिभाषा कभी भी इतनी सरल और इतनी सतही नहीं रही। वो जटिल जरूर थी, उसे लेकर लोग बहुत तरह की बहस किया करते थे, लेकिन ये हालत हो गई है कि आपको इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। और ये एक पैटर्न है, आप टीवी देखें ना देखें, ये लगातार और इतनी इंटेंसिटी के साथ हो रहा है कि आम लोग, अभी आप बता रहे थे कि 58% यहाँ गरीब हो सकते हैं, ये मुमकिन है। आम लोगों के पास अखबार अभी भी नहीं पहुंचा, आम लोगों के पास टेलीविजन उस तरह से नहीं पहुंच रहा। जो सस्ते तरीके से टेलीविजन पहुंच रहा है उसमें सिर्फ राजनीति का एजेंडा है, इसके अलावा लोग कुछ बात करते हुए पाए ही नहीं जाते। तो ये मीडिया के जरिए का एक तरह से कोलोनाइजेशन है। जो भी अब जिसको भी लड़ना पड़ेगा उसे उस मीडिया के स्पेस के बाहर जाकर अपनी लड़ाई तय करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है, उस मीडिया में आपके लिए जगह नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग कहते थे कि मीडिया का काम है विपक्ष बनना, सत्ता का सत्ता है उसका विपक्ष बनना।
अब विपक्ष बनना मतलब आप राष्ट्र विरोधी बनना है। अब आज की जो मीडिया है वो विपक्ष विरोधी पत्रकारिता करके अपना शान समझती है, वो सत्ता से सवाल नहीं करती, इसीलिए उसकी गोद में बैठी हुई है, वो सुरक्षित है, उसका कोई माई बाप नहीं बिगाड़ सकता, ईडी वाले भी नहीं जानते हैं, इनकम टैक्स वाले भी नहीं जानते हैं। तो ये एक चीज है कि हमने लोगों ने बहुत, मैं देख रहा हूं कि जब से टेलीविजन आया है लोगों ने अब इस लोकतंत्र को आउटसोर्स कर दिया है, वो उनकी राजनीतिक गतिविधि कम होती जा रही है। आपकी टीवी पे उठा दो, आपकी टीवी पे उठा दो, और जिस टीवी पे उठाने की बात कर रहे हैं वहां तो पूरा लोकतंत्र को बिठाने का ही पूरा प्रयत्न किया गया है, पूरा एकदम सेट है पैटर्न उस तरह से। तो एक तरह से देखिए कि हमारा राजनीतिक दल है, उसकी सिर्फ ये घोषणा बाकी है कि वो एक राजनीतिक दल का मीडिया जो है वो एक महासचिव बन गया है, और उसका काम है उस राजनीतिक दल के सपनों को साकार करना। तो जहां कहीं भी विकल्प की आवाज है वो सरकार से नहीं पूछता है, वो तुरंत आके वो लिबरल को गाली देने लगता है, वो लेफ्ट को गाली देने लगता है, भले ही उस विवाद में उनकी कोई भूमिका हो या ना हो, लेकिन वो उन पर हमला करने लगता है कि जैसे इस वक्त इन्हीं की सरकार है। अभी ये लोग आंधी में और जुनून में समझ नहीं रहे हैं, पर इसका एक खतरा है, इसका खतरा ये है कि अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो जनता का क्या हो रहा है, लगातार इस राजनीतिकरण से, कॉलोनाइजेशन से पब्लिक अब पब्लिक नहीं रही, हमारे आपके सारे संबंध उस राजनीति से तय होते जा रहे हैं, और पब्लिक ने अब उसका ऐसा निष्ठाकरण हुआ है, उसकी जो लॉयल्टी जो बनाई जा रही है, गढ़ी जा रही है, तो उसने अपने आप को डिसॉल्व कर दिया है एक गवर्नमेंट के प्रति निष्ठा में, एक पार्टी के प्रति निष्ठा में उसने डिसॉल्व कर दिया है, विलय कर दिया है। अब इस विलय करने का खतरा क्या है, इस विलय करने का ताजा उदाहरण मैं आपके राज्य से ही दे सकता हूं, सूरत के कपड़ा व्यापारी जब वो विरोध कर रहे थे तो संख्या इतनी तो जरूर थी कि दिखाई जा सकती थी, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सकती थी, आर्थिक रूप से साधन संबंध संपन्न ताकतवर लोग हैं वो लोग, और 50,000-60,000 की संख्या में है, लेकिन उनका भी कवरेज नहीं मिला। यूपी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1,75,000 शिक्षा कर्मी विस्थापित कर दिए गए, आदेश के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार के लिए जिम्मेदारी थी कि वो इस पर संवेदनशीलता दिखाए कि 2.25 लाख शिक्षकों का परिवार सड़क पर आ गया है तो क्या किया जाना चाहिए, लेकिन वो भटकते रहे, टेलीविजन चैनल उनके लिए नहीं आए, क्योंकि जब वो सत्ता की गोद में बैठ रहे थे तो सूरत वाले भी ताली बजा रहे थे और शिक्षा मित्र भी ताली बजा रहे थे, और जब हम सवाल कर रहे थे तो ये दोनों ही हमको गाली दे रहे थे। तो जनता को, अगर जनता जनता होने की हैसियत खो देगी अब उसको कोई नहीं बचा सकता है। सेलुलर जाने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने अपने घरों में सेलुलर जेल की जिंदगी जीने लगे, ये एक भयानक स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक बिल्डर 4,000 साधन संपन्न लोगों की जिंदगी की कमाई लेकर उड़ जाता है और कोई उसे लेकर सरकार को अब नहीं ललकारता, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। सरकार को ललकारना देश की गलती है, जबकि सरकार को ललकारना मतलब इतना ही ध्यान खींचना है कि भाई आपके 4,000 नागरिकों की पूंजी बिल्डर लेकर भाग गया है, आप ताको इधर और कुछ करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल यहां करो। एक न्यूज एंकर को गाली देने के लिए 2 करोड़ GB डेटा खर्च मत करो। 3 साल से लाखों करोड़ों जीबी डेटा खर्च कर दिया मेरे ऊपर, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए मेरे लिए, मुझे तो लगा था कि कोई नहीं आएगा। तो ये जो गाली, जो राजनीति में जो गालियों का शिष्टाचार कायम किया गया है, ये हमारी राजनीति का सब सिविलाइज गुंडाइज्म कोई आदमी अपना चेहरा छुपाकर आपको दिन रात मां बहन की गालियां दे रहा है, आपके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है, और आप जनता भी चुप है, जनता भी उसमें शामिल होती चली जा रही है, कि इसका मेरे से क्या झगड़ा है,
आपका काम है, आप 5 साल का बाद जब बात वक्त आता है तो आप जिसको चुनना है जितनी बार चुनना है आप स्वतंत्र चुनते रहिए। आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? और आप जब जनता जनता नहीं रही, वो भी यही चाहती थी कि हम भी सरकार का भजन करें, थोड़ा लेट हो गए। आदत नहीं है तो क्या करें, अब भजन ही करना है। तो इतने शास्त्र पढ़ाने के बाद और परंपराओं से तो यही सीखा कि ऊपर वाले की करो, फिर करना है तो उसके नीचे दाएं बाएं तो कोई नहीं है। अगर हम उस ऊपर वाले की सत्ता को नहीं मानते हैं तो भजन कर लेंगे फिर किसी और का, लेकिन उसका क्या नुकसान हो रहा है सर? देखिए, कई बार हम समझते हैं जो टेलीविजन जो है वंदे मातरम के जरिए किसी फटीचर से मौलाना को बुला ले आता है और अनाप शनाप बोल रहा होता है, वही एक धर्म और उसके समाज के लोगों का प्रतिनिधि बन जाता है। उल्टा सीधा बोलने वाला मौलाना वो आगे कुछ भी कूड़ा कबाड़ बोल रहा है वही बोल रहा होता है पूरा टेलीविजन। आप अहमदाबाद में घूम आइए, जरा देखिए कौन सा वो टोपी पहन के घूम रहे हैं सब, कश्मीरी टोपी कोई घूम रहा है? लेकिन टीवी में जब उनके प्रवक्ता बोले आते थे मौलाना साहब वो टोपी पहन लेते हैं गर्मी में भी जून में भी। मैंने कहा भाई को हम कहीं बाहर देखे नहीं आज तक जिंदगी में, ये टीवी में कहां से चले आए? तो उस तरह के लोग लाए जाते हैं और एक कैरिकेचर किया जाता है और हम और आप इस भ्रम में रहते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं और ठीक है इनके साथ जो हो रहा है होने दो। देखिए एक बात समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है और अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो माइनॉरिटिज्म का प्रैक्टिस मुसलमानों के पीठ पर हो रहा है। उन पर प्रैक्टिस करके जैसे ही आप सरकार से कोई डिमांड करते हैं या सवाल करते हैं आप उस वक्त माइनॉरिटी घोषित कर दिए जाते हैं और आपकी लाठियों से पिटाई होती है, क्योंकि तब जब बेकसूर लोग बिना कारण के लाठियों से ट्रेन में मारे जा रहे थे तो आप ताली बजा रहे थे, लेकिन ताली बजाते वक्त आपने यह नहीं सोचा कि आप बेफजूल के सरकार में अपने आप को डिसॉल्व करते हुए खुद को माइनॉरिटी बना रहे थे। इसीलिए सूरत के कपड़ा व्यापारी भी कवरेज के लिए उसी तरह तरस गए जिस तरह से 4000 लोग दिल्ली के नोएडा सटे हुए नोएडा में तरस गए कि कोई कवर कर दे हमारी समस्या, और जिस तरह से 1,75,000 टीचर, ये है नतीजा कि हम को ये बताया जाता है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ वही मुसलमान है। नहीं भाई, सरकारों की ताकत जब बहुत बढ़ जाती है तो हर कोई उसके सामने कभी भी माइनॉरिटी हो सकता है। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि माइनॉरिटी का मतलब वो 6 धर्म के लोग हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान। नहीं, कोई टीचर हो सकता है, आंगनबाड़ी की वर्कर हो सकती है, गरीब हो सकता है। उसकी आवाज टीवी में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मीडिया आपका कॉलोनाइजेशन कर रहा है एक खास प्रकार के एजेंडे से, वो एंटी पुअर है। न्यूज चैनल गरीब विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है। और ये जब बात मैं कहता हूं तो 70 के दशक के किसी आंदोलनकारी के पुराने नारों को मैं नहीं दोहरा रहा होता हूं, बल्कि बहुत सोच समझ के देखा है और महसूस किया है तब मैं कह रहा हूं। ये जो न्यूज चैनल रात को आपके घरों में जो एंकर आते हैं बदतमीजी में पीएचडी करके, वो आपके लोकतंत्र, और वो आपका नहीं है, उसको अर्जित करने के लिए सालों दशकों तक आम लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनकी आवाज अभी हमारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप लोग तो गाना गा रहे थे कि घंटा बज गया है सूर जागो लड़ने की तैयारी करो, ये उनकी देन है जिसका मजा हम लोग ले रहे हैं। हमारे आपके पास, जनता के पास एक ही तो ब्रांड है इस आजाद भारत में, सारी तकलीफों के बाद आजादी। तभी तो 15 अगस्त के दिन जितना एक अमीर रोमांटिक होता है इस देश में उतना रिक्शा वाला भी रोमांटिक हो जाता है, वो भी अपने रिक्शे में तिरंगा गाड़ देता है, चला रहा होता है, उस दिन वो अपनी गरीबी के लिए नहीं रो रहा होता है। लेकिन अब तो भाई साहब कहते हैं यूनिवर्सिटी में टैंक लगा दो तो सीमा पर यूनिवर्सिटी खोल दो, देखो वहां पर प्रोफेसर लोगों को पढ़ाने के लिए।
ये तो कहीं कोई तर्क की तो बात होगी ना, एक ही तो ब्रांड है आजादी हमारी, जिसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बता रहे हैं इसका मतलब आपके पास काम करने के लिए काम नहीं है। जो गुब्बारा हम खुद से खरीद के ले आते थे, जो झंडा हम खुद से खरीद के लाते थे, आप 3 साल से वही रोज रोज बताया जा रहा हो टीवी चैनल खोल के। भाई ऐसा क्या हो गया इस देश में? क्या इस देश की जनता देश के खिलाफ हो गई है? ऐसा तो नहीं हुआ है ना, और ना तो इसके कोई प्रमाण मिलते हैं। तो ये आप टेलीविजन चैनलों से सतर्क हो जाइए। मेरी एक थ्योरी है, माने तो ये केबल कनेक्शन कटवा दीजिए और जो 300 रुपए हैं महीने के, उन्हीं के प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे आइए। कम से कम गरीबों का विपत्तियों में भला तो होगा, आप बीमार तो नहीं होंगे। बीपी के मरीज हो जाएंगे रोज रात को, वो 4 रिटायर्ड लोगों को देखते हो क्या बकवास कर रहे हो। रोज चले आते हैं, रोज सीमा पे समस्या है, रोज राष्ट्रवाद की समस्या है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है इस देश में? क्या हमने गरीबी की समस्या से निजात पा ली है क्या? तो ये आप मित्रों को, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये रोज ये अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। अब जनता की लड़ाई बड़ी मुश्किल हो गई, वो इस कॉलोनाइजेशन से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है, फंस गई जनता इस देश की, अब वो फंस गई है। तभी वो डरी हुई, तभी वो कहती है कि आप उठा दो जी, हमसे नहीं होगा, हम नहीं बोल पाएंगे। जिस दिन आप डर को इस तरह से स्वीकार करने लगेंगे, उस दिन आप इस देश के इतिहास के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसे ऐसे लोग इस देश के लिए लड़ गए, जिनको ना कभी स्कूल मिला, ना कॉलेज मिला, ना उन्होंने इस आजाद हिंदुस्तान में कोई अच्छे दिन देखे, उन्होंने हमारे लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी। तो इसलिए राजनीतिक दल को वोट देना अलग बात है, देते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। वोट देने के बाद प्लीज वापस लौट कर आइए और जनता बन जाइए। कम से कम पत्रकार को गाली देने में ये मत कीजिए। मीडिया खराब है, जरूर क्वेश्चन कीजिए आप उसको। ये क्या सवाल है कि आप एंटी हैं तो और हम क्या हूं? उनसे पूछिए ना कि आप इतना प्रो क्यों है, कुछ मिला है? कितना मिला है? रवीश को क्यों नहीं मिल रहा है जो इतना एंटी है? पूछिए ये जाके सवाल। हमसे क्यों पूछते हैं कि मैं एंटी हूं? मैंने क्या किया? मैंने आपसे कहा है कि आप किसी को वोट ना दें? मैंने तो नहीं कहा है बात। मैंने तो यही कहा कि जो गटर में जा रहा है उसके पास 3000 रुपए का मास्क क्यों नहीं है? आधार नंबर तो उसका हो गया, मास्क नहीं आया। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए, आधार नंबर है। तो तर्क बात बहस विचार कहीं तो होगी ना। हर तर्क का ये जवाब नहीं हो सकता चुनावी जीत। अगर बहुमत से चुनाव की जीत से सारे सवाल समाप्त हो जाते तो चुनाव खत्म होने के बाद देश की सभी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। फिर चुनाव के 6 महीने पहले टीवी भी खुलेगा, अखबार भी छपेगा, शांति से हम लोग बेहोश होकर घूमते रहेंगे। तो ये एक तरीका है। वो तो जीत रहे हैं, आप मत करो ये देखो वो तो जीत रहे हैं, तो मैं क्या करूं? वो जीत रहे हैं तो उनको हराना मेरा काम थोड़ी है। वो जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, जीतना चाहिए। वो तो राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि क्रॉस वोटिंग भी अंतरात्मा की आवाज पे होती है। बिहार में क्रॉस वोटिंग हो जाए तो खानदान बदनाम हो जाता है एमएलए का। आपके यहां क्रॉस वोटिंग हो गई तो पवित्र, कमाल ऐसा है। तो राजनीति के सारे क्रॉस वोटिंग यही आगे करने चाहिए, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राज्यसभा का चुनाव था, खैर कोई बात नहीं, तो जीता वो भी महत्वपूर्ण नहीं, जो हारे वो भी महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि क्रॉस वोटिंग यहां पवित्र हो गई।
सोचिए कोई सवाल करने वाला नहीं, और जिस रात ये चुनाव आयोग में बारी बारी से जा रहे थे भरोसा जताने के लिए, अरे कांग्रेस दो बार भरोसा जता गई, हमें भी दो बार जाना चाहिए, तो दो बार बीजेपी भरोसा जता रही थी, दो बार कांग्रेस भीतर भरोसा जता रहे थे, जैसे चुनाव आयोग में भरोसा जताने का एक नया आयुक्त आया है। आइए वहां जाइए, उनसे भरोसा जता के आइए कि हमें चुनाव आयोग में भरोसा। रात भर यही चल रहा था, मैं खड़ा गया, लेकिन अभी भी यही चल रहा है भाई। और सब बात कर रहे थे मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, लेजी अपोजिशन, फलाना ठिकाना, ये सब चल रहा भाई। ये पूछ ही नहीं रहो कि क्रॉस वोटिंग फ्री में होने लगी, राजनीति इतनी सस्ती कब से हो गई इस देश में, कोई नहीं पूछ रहा। डर डर गए सर, कोई आएगा आरोप लगा देगा, एक लड़की आएगी आरोप लगा देगी, केस हो जाएगा, थाने में कोर्ट में जाएंगे, वकील लोग घेर के मारेगा, और मारने के बाद बंदे मातरम बोल देगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा ये गद्दार है। जिन जिन लोगों ने मेरे नाम से आप लोगों को हॉल नहीं दिया उन सब का शुक्रिया। उन सब का शुक्रिया। उनकी अंतरात्मा जिस रात क्रॉस वोटिंग करेगी खूब याद आएगा उनको, तो उन्होंने किसी को हॉल नहीं दिया। पर अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही सब बातें हैं जो मैं चाह रहा था कि करने के लिए, और बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि राजनीति में विकल्प नहीं है, विपक्ष नहीं है। ये चिंता की बात तो है, दो तरह की चिंता की बात। एक तो विपक्ष अपने कारणों से नहीं है, और अगर विपक्ष दूसरे कारणों से नहीं है तो ये बहुत चिंता की बात है। अगर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत में ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सतर्क हो जाइएगा, वो आपके घर भी आएंगे, पर्चे निकालेंगे, खर्चे जोड़ेंगे, 13 रुपए का हिसाब नहीं मिलेगा, जेल में बंद करेंगे। तो कितना एंटीसिपेटरी बेल के लिए दौड़ेंगे, तो जज साहब चले गए वरना पूछता कि कोई एंटीसिपेटरी जेल का प्रोविजन है कि कोर्ट में जाके कहते हुजूर ये बार बार लोग डरा रहे हैं कि सरकार फंसा के जेल भेज देगी, तो आप हमको एंटीसिपेटरी जेल में रहना चाहते हैं, वहां समाज सेवा कीजिए, वहीं रहिए जिस तरह से रखा जाता है, जेल से हम मत डरिए। यही गांधी की लड़ाई का सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अंग्रेजों के पास तरह तरह के भयानक भयानक जेल थे, लेकिन उस आजादी में रहने वाले लोग जिन्होंने लड़ा इसी आजादी 1942 से अंग्रेज करो और मरो का जब नारा दिया जा रहा था, उस लड़ाई में लोग 3-3 साल 2-2 साल जेल में रहे। करेंगे क्या हम लोग, क्या करूंगा, क्योंकि मेरा तो सपना है कि सांप्रदायिकता सब कुछ खत्म हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 2022 की जीत का साल मेरा साल होगा, मेरी जीत का साल होगा, ये वो साल होगा कि जो सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। विज्ञापन से अखबार में विज्ञापन छपते हैं कि सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी, पर ठीक है, अगर किसी की नियत है हम साथ दे देंगे, अगर आप 50 लाख GB डेटा मुझे गाली देने पर कम खर्च करेंगे तो। अब इससे हो क्या रहा है ना कि जो स्मृतियां हैं आंदोलन की, आप किसी जिसे 25 जून आता है तो आप आपातकाल को याद करते हैं, तो उसके जो लोग भी उससे लड़े जुझे तो उन चीजों को याद करते हैं, तो लेकिन अब आप वहां पे कोई दूसरा आइटम ले आकर लॉन्च कर दीजिए तो आप उस मेमोरी को ना इरेज करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं, वो वाला बात मत करो। कोई अपराध बोध होगा, कोई होगा, कुछ होगा कि आप कहते हैं कि नहीं पुराना बात मत करो, नया 7 प्रकार के संकल्प से सिद्धि कर देते हैं आप, हवन करो सारा एक ही में डालो आंदोलन को, चल 10-12 तरह का आंदोलन, क्या अलग अलग गरीब विरोधी मोर्चा, किसान मोर्चा, ये मोर्चा, सब हटाओ। अच्छा आश्चर्य, उस संकल्प में बेरोजगारी नहीं है,
लगता है कि वो अभी नहीं दूर होगी 2022 तक, वो नहीं है उसमें। तो खैर, तो ये सारा इतना सारा इतिहास को लेकर हम क्यों ऑब्सेस हैं? इतनी जयंतियां, इतनी पुण्यतिथियां, ऐसा लग रहा है कि भारत में इतिहास को याद करने की कोई कार्यशाला चल रही हो। सुबह सुबह उठते ऐसे ऐसे लोग याद कर देते हैं सारे महापुरुषों को याद करना, और वो याद करने का ना कोई नौटंकी में बदल गया है। एक व्हाट्सएप मेमे बना दीजिए, उनका फोटो लगा दीजिए, हम इन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा जी, आज तो आप तिलक जी के रास्ते पे चल रहे हैं, कल वो बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी के रास्ते पे चल रहे हैं, परसों वो बता रहे हैं पटेल जी के रास्ते पे पहुंच चल रहे हैं। अरे भाई, ये लड़कियां दिल्ली में चल रहे हो क्या? फिरोज शाह रोड से होते हुए अकबर रोड होते हुए अब्दुल कलाम होते हुए पहुंचे सरवण आसिया, क्या है ये? उसको दिमाग लगाओ भाई। अच्छी बात है कि आप याद करें, तो इतिहास को याद करने का मतलब यह नहीं कि सुबह सुबह कोई कई और मैं घबरा जाता हूं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की हालत पर ट्वीट नहीं करते हैं, दिलीप कुमार की जयंती पे ट्वीट कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, गड़बड़ हो गया। ऐसे ऐसे हिस्ट्री जब इतना ही शौक था तो बताओ भाई, आप लोग नंबर बताओ हिस्ट्री का तुम्हारा। इसका मतलब जो इतिहास आप बदलना चाहते हैं उन लोगों ने आपको ठीक पढ़ाया था, तभी तो आपको सबकी जयंतियां और पुण्यतिथियां याद है। जबकि दुनिया के इतिहास लेखन में इसकी आलोचना हो चुकी है कि हिस्ट्री की यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिर्फ कि आप किसी की जयंती को याद रखें, किसी की पुण्यतिथि को याद रखें, किसी सालगिरह को याद रखें जरूर, लेकिन ये कॉम्पिटिशन जैसा क्या होने वाला है? अच्छा, वो याद कर लेता है तो फिर वो अगर कांग्रेस वालों ने किया तो बेचारा कहते हैं लड़के दिल्ली में। ये देखिए पटेल ने कितना ट्वीट किया बीजेपी ने, बीजेपी ने पटेल को अप्रोप्रिएट कर लिया और कांग्रेस ने छोड़ दिया है, तो इससे पटेल को क्या फर्क पड़ा? वो तो अगले दिन किसी और को अप्रोप्रिएट करने वाले हैं, फिर अगले दिन अब कांग्रेस भी लगी ट्वीट करने के लिए, दूसरे दल भी ट्वीट करने लगे हैं। इतनी ज्यादा जयंती से तो घबराहट होने लगी है कि आप हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह रहने दीजिए। बहुत शौक है, बहुत अच्छी बात है, इतिहास पढ़ना चाहिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री को आप इस तरह से मत बताइए कि हिस्ट्री का सिर्फ महापुरुषों का ही इतिहास होता है। ऐसा इतिहास ना हमें पढ़ाया गया ना हमने पढ़ा है। बहुत ही उन्नत अनुशासन है इतिहास का, भारतीय इतिहासकारों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। वो सिर्फ वामपंथी नहीं है, उनके बीच भी इतिहास लेखन के तरीकों को लेकर, अपने सोर्स को लेकर बहुत प्रतियोगिता है, बहुत झगड़े हैं, बहुत तरह की बहस है। आप पूरे इतिहास लेखन को वामपंथी कहके खारिज नहीं कर सकते, हैं उसमें दक्षिणपंथी भी हैं, लेकिन इतिहास लेखन की इतनी विविधताएं हैं, ये मत बताइए कि हम सिर्फ वहां पर अकबर ही पढ़ रहे हैं। और बदलने की इतनी सनक ना हो कि आप अकबर को हरा दें और उधर कोई संस्कृत में लिख दिया कि बादशाह को हमने चीन को हरा दिया था। सामना करना चाहिए इतिहास की जो कमजोरियां हैं उसको एज इट इज सामना करना चाहिए। ये सिर्फ यही बताती हैं कि करने का मौका है तो हमने कैसे किया। इतना गिल्ट लोगों में, अपराध बोध भरा हुआ था जब संसद में भाषण दे रहे थे, कम्युनिस्ट उठते ही नहीं, वहां पे भी हमारे लोग थे, यहाँ पे भी लोग थे, हमारे यहाँ भी लोग थे, ये भी डरे हुए थे कि भैया हमारा ना पूछते कि हमारे वाले कहाँ कहाँ थे, नहीं हमारे भी वहां थे, यहाँ थे, वहां थे, होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ कि हम लोग भी थे, हमको लेकर लोग डरा हुआ था, हम भूमिगत थे। वही तो पूछ रहे हैं कि आप भूमिगत के बाहर क्यों नहीं थे जब सबको जेल में था? तो यही तो, अगर नहीं थे तो नहीं थे, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तब नहीं थे, आज तो हम आपको स्वीकार कर ही रहे हैं भाई। तो इससे बचने का अपराध बोध लेके मिटा दो, कॉपी फाड़ दो, रिजल्ट खराब है तो फाड़ के पिताजी के बचपन में लोग करते थे ना, फर्जी सिग्नेचर करके जमा करके, थोड़ा इससे आना चाहिए बाहर, कहना चाहिए कि ठीक है उस वक्त के ये फैसले थे, हालात थे और हम नहीं सहमत हैं जो उस वक्त के हमारे रहनुमाओं ने, हमारी संस्थाओं के रहनुमाओं ने लिया, थोड़ा आगे बढ़िए, नई चीजें देखते हैं, उसी में क्यों अटके रहे हैं हम लोग। तो इस इतिहास को याद करने की जो कार्यशाला है इससे इसको समझिए, अगर बहुत मन लगता है तो मोबाइल पे टाइमर सेट कर दीजिए, इनकी जयंती उनकी पुण्यतिथि, और 2018 में हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टारगेट लेते हैं कि 365 दिन में हम उन सभी को याद कर लेंगे जो महापुरुष थे जिनका योगदान था, और यूएन से बुला के सर्टिफिकेट भी दिलवा देंगे अपने आप को।
यही करते हैं पूरा साल भर, यही सारा काम छोड़ के। तो इस तरह से मंत्री जनता की समस्या का जवाब नहीं दे रहा, वो हिस्ट्री डाल दे रहा है कि ये महापुरुष की जयंती आ गई, हम नमन करते हैं, इनके रास्ते पे चलेंगे। चल तो आप किसी के रास्ते पे ले रहे हैं, आप तो जमीन पे भी नहीं चल रहे। तो भारत में इतिहास की इतनी मांग कभी नहीं रही, बदलने की इतनी मारामारी। मैं तो कहता हूं 10,000 करोड़ का एक इतिहास फंड बनना चाहिए भारत। सबके हिसाब से हर कोई इतिहास की अपनी अपनी विविधताएं हैं, कुछ लिखी गई हैं, नहीं लिखी गई हैं, असमानताएं भी हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि आप कोई मंत्री जाके बदल दे उसमें। तो थोड़ा आप इतिहास को इतिहास के अनुशासन से लिखिए, उसके सोच से लिखिए, आलोचना कीजिए उसकी। कि अचानक जाके वो फैसला कर, मंत्री ही कौन होता है फैसला करने वाले, इतिहास बदल जाएगा, फिर 300 पन्ने नहीं पढ़ाएंगे, 2 पन्ने पढ़ाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पीढ़ियों को इतिहास ही जानना चाहिए तो केमिस्ट्री फिजिक्स बंद कीजिए, फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक हिस्ट्री पढ़ाइए, फिर इसमें क्या करना है, पढ़ेगा बच्चा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और मैं जिस पेशे से आता हूँ सचमुच उसके भीतर के इस बदलाव और फुटन को मैं रेखांकित करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि वो माध्यम और माध्यम रहा नहीं, वो आपका माध्यम नहीं है। मालूम नहीं कि हम लोगों के पास भी कितना अवसर है, कितना अवसर नहीं है, क्योंकि सत्ता की आहट जो है वो अच्छी नहीं है। उसका आत्मविश्वास, वो विजय का कुछ और मतलब समझ रही है, विजय का कुछ और तस्वीर हम लोग देख रहे हैं जनता के बीच में। तो ये अगर आप लोगों के भीतर से इस बात की समझदारी लोगों तक नहीं पहुंची कि टेलीविजन सरकार का गुलाम हो गया है और आप जनता का खिलाफ हो गया है, और आप इस मीडिया के खिलाफ खड़े होइए, बिना इसके होगा नहीं। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता। जब तक इस देश में समझदार और साहसी लोग हैं, और हैं काफी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जनता के पास एक ही ब्रांड है, वो आज़ादी, और उसके लिए वो जान लगा देगी, इतना भरोसा तो है मुझमें। लेकिन ये मीडिया का चाल आप थोड़ा सा समझिए, ये हम सबको एक पॉलिटिकल कॉलोनी में बनाना चाहते हैं, हम सबको एक ही पॉलिटिकल कॉलोनी में रखना चाहते हैं, और उसके भीतर की जो विविधताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन सब का दमन किया जा रहा है। इसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि एक दिन, जिस दिन ये फटेगा, तो जो उसके नजदीक जो भी होगा वो मारा जाएगा। हम सबका इतना घोर एक तरह से निष्ठाकरण राजनीति के नाम पे ठीक है, थोड़े हंसने बोलने मजाक उड़ाने की आजादी होनी चाहिए, थोड़ी निर्भरता होनी चाहिए, वंदे मातरम भी गाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ठीक बात। थैंक यू।